राजधानी लखनऊ में भीम आर्मी ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि कृषि अध्यादेश और निजीकरण के खिलाफ भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार और किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिकेत धानुक ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर शोषित वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हो चुके हैं। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC, अन्य सभी संस्थान का निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त हैं। इस दौरान भीम आर्मी ने किसान, रोजगार समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। हमारी मांग निजीकरण को लेकर के है, निजीकरण बंद किया जाए, क्योंकि निजीकरण से हमारे जो आरक्षण पर प्रहार है, सीधा सीधा आरक्षण पर प्रहार है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों की भागीदारी एकदम शून्य है, तो जब निजीकरण हो जाएगा तो जो सरकारी विभागों में आरक्षण के तहत हमारे जो लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, तो उनकी तो भागीदारी एकदम शून्य हो जाएगी। और सफाई कर्मचारियों को लेकर के हम लोग का आज ज्ञापन रहा है, 3-4 मुद्दों को लेकर के रहा है, और कृषि बिल को लेकर के रहा है। सफाई कर्मचारी को लेकर के ये रहा है कि जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी है, तो इस देश के अंदर जो सफाई कर्मचारी था उसने अपना रोल इतना बखूबी अदा किया है कि जब किसी का कोरोना पॉजिटिव भी होता था उसके घर में जाकर वो सैनिटाइज करता है अपनी जान जोखिम में डाल करके, और आज उसकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपये है। तो क्या 5,000 में क्या मैं क्या कोई भी परिवार का लोग ना अपनी घर नहीं चला सकता। तो ये उनकी जो उनको जो कारदाई पे लगा करके प्राइवेट करने का कारण यही था कि इनकी तनख्वाह जो है 3 आदमी का काम 1 आदमी से कराएंगे और वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और 5,000 रुपये तनख्वाह देंगे उसे। और रहा कृषि बिल को लेकर का, कृषि बिल अगर इनका सही होता तो किसान आंदोलन कर रहा होता, जो इस देश का अन्न देता है, इस देश को अनाज देता है, जो हमारा भरण पोषण हो रहा है आज वो खतरे में। इससे पहले हम लोग ने निजीकरण के लिए पूरे भारत में पहला प्रदर्शन किया था, शायद आप सब लोग थे, इसमें हमारे कई साथी जेल गए थे। तो अभी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे बड़े पैमाने पर। फिर हम ये कोरोना जैसी बीमारी के चलते जो लोग आज वो दे रहे हैं, कोरोना काल को एकदम अवसर अपना बना लिया है बीजेपी ने, अवसर काल उसे कह सकते हैं। तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो, मैं खुद एक सफाई कर्मचारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे तकलीफ है, मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी दादी, मेरे चाचा चाची सब सफाई का काम करते हैं, सब ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा पीड़ा है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.